बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ एचडी। शामिल करेंगे 26 न्यूज़ हेडलाइंस। सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपोजिशन के नामवर डाकू की तनकीद को एजाज समझना चाहिए। ये अगर मेरी तारीफ करें तो मैं अपनी तोहीन समझूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मरियम नवाज ने गैर कानूनी खोखर पैलेस पर खड़े होकर कब्जा माफिया से इजहार यकजहती की। खुद को मुस्तकबिल का लीडर कहने वाली मरियम नवाज कब्जा माफिया की पुश्त पनाही कर रही हैं। वज़ीर आज़म की पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर वज़ीर आला और आईजी को शाबाश। इमरान खान ने साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके, मालूम है कौन सा सियासी लीडर पैसे लगा रहा है। एक भिगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। फजलुर रहमान मदारस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने, वो खुद को कानून से बालतर समझते हैं। उठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि पिछले दो साल से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में फंस रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहती हैं इमरान खान ने सच कहा था कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज का तंज। खोखर पैलेस गिरा जाने पर बाबर अवान और अफजल खोखर आमने सामने, कौमी असम्बली इजलास में एक दूसरे पर लफ्जी वार। फजल खोखर बोले, रात के अंधेरे में मेरे घर पर दावा बोला गया, अगर कब्जा साबित हो जाए तो मैं जरमदार होऊंगा। अगर बनी गाला 12 लाख में रेगुलाइज हो सकता है तो हमारा क्या कसूर था। बाबर अवान ने कहा, कोई भी कानून मेंबर असम्बली को सरकारी ज़मीन पर कब्जे की इजाज़त नहीं देता। पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन से कब्जा छुड़ाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाया। स्पीकर ने अफजल खोखर की तहरीक इस्तेहकाक पर रोलिंग महफूज कर ली। सवाल का जवाब न मिलने पर एहसन इकबाल और असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला। हुकूमत तो 6 हथकंडों से अरकीन असम्बली को दबाना चाहती है। रुकन असम्बली घर गिराने के मामले को इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो कौन देखेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हुकूमती करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं। एहसन इकबाल बोले, अजमत सहीद ब्रॉडशीट मामले में फरीक हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो चुका, रियासत डूब रही है, कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी। कराची टेस्ट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को कराची में टेस्ट में 7 विकटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 88 रन का हदफ 3 विकटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फवाद आलम ने चौका लगाकर टीम को फतह से हमकनार कराया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज बेबस रहे। यासिर शाह और नुमान अली ने 7 विकटें हासिल की। बाबर आजम बतौर कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। डेब्यू करने वाले नुमान अली की स्पिन का जादू चल गया। डेब्यू पर एक इनिंग्स में 5 विकटें लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म पाकिस्तानी बॉलर बन गए। मैच में 7 विकटें हासिल की। नुमान अली के वालदैन खुशी से निहाल, बेटे की शानदार कारकर्दगी को कई सालों की मेहनत करार दे दिया। मुलजिमान की सजाओं को बहाल किया जाए। डैनियल पर कत्ल केस, सिंध हुकूमत ने उमर शेख की रिहाई के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से 28 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उमर शेख समेत 4 मुलजिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। उमर शेख की रिहाई के अदालती फैसले पर व्हाइट हाउस नाराज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया के फैसले पर नजरसानी के लिए कानूनी चारा जोई की जाए। अमरीकी वजर खारजा का भी उमर शेख की रिहाई पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ हुकूमत का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट 2008 में रकम की अदायगी की गई, 2009 में पैगाम मिला कि अदायगी गलत कंपनी को की गई। नैब का ब्रॉडशीट से मुआयदा 2000 में हुआ, जिसे 2003 में मनसूख कर दिया गया। नैब ने सबसे ज्यादा रिकवरी 2020 में की। सेनेट इजलास, हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। माजी में NRO दिए गए, एवन फील्ड समेत दीगर असासों को छुपाया गया। इमरान खान के 2 साल दौर में नैब ने 390 अरब रुपए रिकवर किए। प्ली बारगेन के खिलाफ ये क्लिनिक का टीका है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान का सेनेट में बयान, जावेद अब्बासी बोले, सबको मालूम है कि प्ली बारगेन कैसे करवाई गई, हमें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आज़म सवाती ने कहा, जिन्होंने गाजरें खाई दर्द उन्हें होना चाहिए। जावेद अब्बासी का नैब के खिलाफ बात करना क़यामत की निशानी है। ब्रॉडशीट पर झूठा ढोंग रचाया गया। हमजा शहबाज कहते हैं, जितनी मर्जी झूठे कमीशन बना लें, अवाम को पता है कि ये नाइल हैं, कब तक अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालते रहेंगे। ये हुकूमत जब भी जाएगी नाकामी की खौफनाक दास्तान होगी। मुल्क में महंगाई अरूज पर है, गरीब नवाले को तरस रहा है।
महंगाई की सताई आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओग्रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई कीमतों का इतलाक मंजूरी के बाद 1 फरवरी से होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv।